हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग विद अंजू। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की सब्जी, विच इज कॉल्ड गूसबेरी ऑल्सो, एंड इट इज फुल ऑफ मिनरल्स। इसकी इतनी स्पेशलिटीज हैं, इतने मिनरल्स हैं इसमें कि इसको हमें अपनी डेली डाइट्स में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। आइज के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी इम्यूनिटी के लिए, इट इज़ रियली हेल्दी। और आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे और इसको हम एक हफ्ते अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वी कैन हैव इट एवरी डे वन आंवला, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए, ये जो इसके ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हटा लीजिए, इसको ऐसे बीच में से निकाल लीजिए और उसके बाद ऐसे सबके साथ सबको ऐसे क्लीन करके आप इनको 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे बॉईल कर लें। अब ये बन के तैयार हो चुके हैं, हम इसको ऑफ करें। बनाने में जो सामान लगेगा वो है 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून मिर्ची, 1/2 टीस्पून धनिया, जीरा 1/2 टीस्पून। ये मैंने अचारी मसाला लिया है, आपकी मर्जी, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये मैंने पूरा 1 टीस्पून लिया है। 2 टीस्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। हमारे आंवला बॉईल हो चुके हैं, अब आप देख रहे हैं ये इतने बॉईल हो गए कि मैं ऐसे ज़रा सा भी कर रही हूँ तो वो टूट रहे हैं। अब आप इनको डीसीड कर सकते हैं, इनके सीड्स को आप अलग कर सकते हैं। आइए अब बनाते हैं आंवले की खट्टी मीठी सब्जी। 1.5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल इसमें डलेगा। सो हम इसमें अब आप देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल डालते हैं 1.5। अब आप देख रहे हैं हमने मस्टर्ड ऑयल रखा है, हम क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है इसलिए हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, इसमें से धुआं निकलने देंगे, चार पाँच मिनट के लिए इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाना शुरू करेंगे। इसमें हम पहले सबसे पहले हम हींग डालेंगे, उसके बाद हम ये जीरा डाल देंगे, उसके बाद ये अजवाइन, और उसके बाद आप कुछ भी डालते जाइए इसमें, ये सारा कुछ मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें अपने सारा आंवला डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिला देंगे। ये सबसे इजी वे है और बहुत जल्दी बन जाता है और 1 वीक तक आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें और इसको थोड़ा सा पका लें। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो खैर हेल्दी है ही है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और बच्चे भी इसको खा लेते हैं क्योंकि इसमें शुगर डली हुई होती है तो इतना खट्टा नहीं लगता है, ये खट्टा मीठा बनता है। और चूँकि मैंने इसमें अचारी मसाला भी डाला है तो उसका स्वाद ही अलग है, आप हर मील में इसको ले सकते हैं। ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसको गैस से उतार देंगे ऑफ फ्लेम। देखिए हमारी आंवले की खट्टी मीठी चटनी कह लो, अचार कह लो, सब्जी कह लो, कुछ भी कह लो, बन के तैयार हो चुकी है। अब आप इसको एक हफ्ते के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा ईच मील के साथ आप इसे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये एक बहुत ही वेरी रिच इन मिनरल्स, इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर।
इससे हमारे बाल आंखें सबको बहुत फायदा मिलता है एंड इट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी. सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून. शबा खैर. इफ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग. स्टे ट्यून.